तो फॉग लैम्प के लिए स्पेस बचता नहीं है, प्लस इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आपको नहीं मिलता है। और यहाँ आप गैपिंग देखो, मैं एक ब्रांड नहीं बोलूंगी, बट फाइनली मेरे पास ह्यूंडई एक्सटर का आज एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये इस गाड़ी का है S6 वेरिएंट, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। फिलहाल ये फ्रेम में मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरियंट है, ये AMT में भी आपको मिल जाएगा। और अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ, वैसे तो एक्सटर के प्राइस स्टार्ट होते हैं 6 लाख रुपए से, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर जो वेरियंट है इसके प्राइस है 7,99,990 रुपए। और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो करीब ये 9,13,000 रुपए ऑन रोड पड़ता है। तो आज के अपने इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि कैसे ये वाला वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट, एक्सटर को 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है और ये इसका S6 मैनुअल है, तो कैसे ये वाला वेरिएंट बाकी वेरिएंट से वैल्यू फॉर मनी है, बेस से इसका कंपेयर करेंगे। फिलहाल मैं हूँ कैपिटल ह्यूंडई सेक्टर 63 पे। एक्सटर से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप शोरूम से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से। अब साइड प्रोफाइल से आप ये देखेंगे गाड़ी के जो डायमेंशन है वो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि डायमेंशन वाइज ये गाड़ी काफी SUV-ish है। इसके साथ ही अगर साइड प्रोफाइल की बात करूंगी, भाई साइड प्रोफाइल में सबसे पहले नजर आती है हमारे ग्राउंड क्लियरेंस पे, तो इस गाड़ी में आपको काफी बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये अगर साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल से काफी बल्की ये गाड़ी आपको लगती है। रूफ रेल्स आपको मिल जाती है, ऑल ब्लैक रूफ रेल्स का इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर रियर पैनल पर आप ये सी पिलर पर आप ये जो ग्लॉसी ब्लैक के पैटर्न देख रहे हैं ये इसका काफी अच्छा लगता है, इसकी वजह से गाड़ी का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। व्हाइट कलर में फिलहाल अभी ये है। और विंडो के चारों तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर की फुली क्लैडिंग आपको मिल जाती है। हालांकि इस वेरियंट में जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर्ड ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है व्हील्स की, भाई व्हील से पहले ये देखो, यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो क्लैडिंग मिलती है वो पूरे साइड प्रोफाइल पर फैली हुई है। और यहाँ आप गैपिंग देखो, मैं एक ब्रांड नहीं बोलूंगी बट हाँ काफी अच्छी खासी गैपिंग आपको इसमें ऑफर की गई है। प्लस व्हील साइज की बात करूं तो 175/65R15 15 इंच का ये व्हील आपको इसमें ऑफर किया गया है, जो कि अलॉयज नहीं है, डायमंड कट अलॉय का ऑप्शन आपको इसके नेक्स्ट वेरिएंट में मिलता है, मतलब SXO में वो ऑप्शन आपको ऑफर किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको ORVMs मिल जाते हैं, जो कि ब्लैक्ड आउट ORVMs दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑफर किए गए हैं। तो एक बार आप इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखिए, साइड प्रोफाइल देख के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी चीज है जो आप इसकी साइड प्रोफाइल से मिस करते हैं, एंड डेफिनेटली साइड प्रोफाइल में वो कौन सी चीज है जो आपको इस गाड़ी की सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। अब आइए दिखाती हूँ आपको इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल। एक्सटर में आपको काफी शार्प रियर एंड मिलता है। रियर में सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपको स्पॉइलर ऑफर किया गया है, जो सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में अभी तक आपको ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको स्टॉप माउंट लैंप मिल जाते हैं। रियर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको वाइपर नहीं मिलता है, वाइपर का ऑप्शन आपको इस वेरियंट से नेक्स्ट वेरियंट यानी कि SXO वेरियंट में देखने को मिल जाता है। डिफॉगर भी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, यानी ह्यूंडई एक्सटर के सभी वेरिएंट्स में आप चाहे बेस वेरिएंट खरीदें, मिड बेस खरीदें, टॉप खरीदें या टॉप सेकंड खरीदें, आपको इसके सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड ऑफर किए गए हैं। एंड रियर प्रोफाइल में एक जो चीज मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आई, आप ये देखिए ये वाला जो एलिमेंट्स है ये इसके डिजाइन को काफी एनहांस कर रहा है। इस एलिमेंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज देखने को मिल जाता है। मोस्टली सभी गाड़ियों में आपको ऑफर की जाती है कनेक्टेड टेल लाइट, बट इसमें कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो टेल लाइट सेटअप दिया गया है उसे कनेक्ट करने के लिए काफी स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड यहाँ पर आप जो ये टेल लाइट सेटअप प्रॉपरली देख रहे हैं ये एच शेप में दिया गया है, जो कि आप इसे एच शेप भी बोल सकते हैं, आप इसे डंबल साइज भी बोल सकते हैं, काफी स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। S6 वेरिएंट की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है, ह्यूंडई का लोगो आपको यहाँ दिया गया है, कैमरा आपका यहाँ पर प्लेस है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं जो रियर प्रोफाइल है एक्सर की कुछ इस तरीके से आपको मिलती है, काफी SUV-ish लगती है देखने में गाड़ी। 2 सेंसर आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। नीचे की साइड आप ये जो स्प्लिट पेट देख रहे हैं, गाड़ी का जो रियर लुक एनहांस कर रही है वो ये स्प्लिट पेट कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से नीचे से गाड़ी काफी उठी लगती है, काफी ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज्यादा लगता है। अब रियर सीट की अगर मैं बात करूंगी तो सबसे पहले डोर पैनल्स की बात आती है, तो आप यहाँ देखेंगे डोर पैनल पर आपको सभी जगह हार्ड प्लास्टिक का यूज देखने को मिल जाता है। कि इंटरनल डोर हैंडल्स हैं वो कुछ इस कलर में आपको मिलते हैं, मेटल ग्रे कलर में आप इन्हें बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, प्लस यहाँ पर एक बॉटल आप बड़े आराम से रख सकते हैं,
दो बॉटल में नहीं कहूंगी यहाँ पर आ जाएंगे, बट हाँ एक बॉटल आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। अब बात आती है स्पेस की, स्पेस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, 5'7" मेरी हाइट है एंड लेग स्पेस इसमें काफी अच्छा खासा आपको ऑफर किया गया है, हेडरूम भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है एंड जो सपोर्ट है वो भी इसमें आपको थाई सपोर्ट बैक सपोर्ट काफी ठीक ठाक ऑफर किया गया है। हालांकि इसमें जो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो इसमें वेरिएंट में आपको दो ऑफर किए गए हैं, SX वेरिएंट की मैं अभी बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। बाकी ऑल ओवर अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यस स्पेस इज गुड, रियर में आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 12V चार्जिंग सॉकेट भी ऑफर किया गया है, एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे आपको लाइट मिल जाती है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ आती है और इस साइड आपको हैंगर हुक भी दिया गया है। तो बूट स्पेस भी चेकआउट कर लेते हैं, तो एक्सटर में आपको 391 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है और अगर स्टेपनी व्हील देखें तो यहाँ पर आपको ये 14 इंच का स्टेपनी व्हील इसमें मिल जाता है। और पार्सल ट्रे आप देखेंगे, पार्सल ट्रे की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी इसमें मिल जाती है। एस्टर के SX वेरिएंट की फिलहाल हम बात करें तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते हैं, आपको जो गाड़ी अनलॉक करनी है वो मैनुअली करनी पड़ेगी की से। अब ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात करेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे मेटल ग्रे कलर में, जैसे कि रियर में आपने देखा था सेम उसी फिनिशिंग के साथ आपको इंटीरियर डोर हैंडल मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रियर डोर पैनल से रंग मिलती है, वो है ये एलिमेंट्स, ये वाला जो एलिमेंट्स है ये आपने रियर एंड में देखा था जो कि ग्लॉसी ब्लैक में था और यहाँ पर मैट की फिनिशिंग के साथ आता है। हालांकि बाकी जो डोर पैनल है वो आपका फुल ऑन प्लास्टिक का यूज इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ORM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर विंडो के स्विचेस आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, लॉक अनलॉक का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस फ्रंट में भी मैं बोलूँगी यहाँ पर एक बॉटल आप आराम से कैरी कर सकते हैं, दूसरी बॉटल आपकी नहीं आएगी, प्लस छोटा मोटा स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। अब ये है इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। मोस्टली हम हमेशा किसी भी गाड़ी के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं, लेकिन इस बार मैंने सबसे पहले अपने फीचर्स की बात की है क्योंकि एक्सटर में फीचर्स बहुत सारे आपको ऑफर किए गए हैं। अब फ्रंट एंड की अब बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपको हिंडई का सिल्वर फिनिशिंग के साथ लोगो मिल जाता है, प्लस जो इसका फ्रंट एंड है यहाँ पर एक्सटर की काफी बड़ी सी बैजिंग आपको ऑफर की गई है और ये जो ग्रिल पैटर्न आप ये देख रहे हैं ये काफी डिफरेंट है हिंडई की बाकी दूसरी जो गाड़ियाँ आती हैं। आपने देखा होगा ऑरा देख लो या फिर आप वेन्यू देख लो या फिर आप i20 N-Line देख लो, ये वाला पैटर्न आपको किसी भी गाड़ी में ऑफर नहीं किया गया है। फ्रंट में आप नीचे की साइड ये जो देखेंगे स्प्लिट प्लेट मैंने आपको रियर में दिखाई थी, सेम स्प्लिट प्लेट आपको यहाँ पर ऑफर की गई है जो गाड़ी को काफी बैलेंस करती है, इसके फ्रंट एंड रियर को काफी जोड़ती है एंड काफी स्मार्ट भी लगती है। रियर में एच शेप के आपने टेल लाइट सेटअप देखा था, सेम एच शेप का आपको यहाँ बैरल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपको हेडलाइट सेटअप ऑफर किया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि हिंडई एक्स्ट्रा के किसी भी वेरिएंट में आपको फॉग लैंप ऑफर नहीं किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर भाई फॉग लैंप प्लेस करने थे वहां तो कंपनी ने हेडलाइट सेटअप दे दिया है तो फॉग लैंप के लिए स्पेस बचता नहीं है। प्लस इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आपको नहीं मिलता है, फ्रंट में आपको सेंसर भी इसमें ऑफर नहीं किए गए हैं, सेंसर आपको सिर्फ वेरिएंट के रियर एंड में मिलते हैं। और अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है जो कि आपकी पावर देता है 82 PS की, और इसके टॉक की बात करूँ तो 113 Nm का यह आपको टॉक ऑफर करता है। फिलहाल ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको AMT का भी वेरिएंट मिल जाता है और कंपनी ने एक्सटर को CNG वेरिएंट के साथ भी लॉन्च किया है। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको इस गाड़ी के CNG वेरिएंट के फीचर्स देखने हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो पावर के मामले में मैं कहूंगी काफी अच्छी इस गाड़ी में आपको पावर मिल जाती है, 113 Nm का टॉक भी आपको इसमें ऑफर किया गया है जो कि इसके मेन कॉम्पिटिटर है टाटा पंच, उसके लगभग सिमिलर है। और अगर माइलेज की बात करूँ तो भाई वैसे हिंडई एक्सटर CNG में 27 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज निकाल कर देती है, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस 1.2 लीटर SX वेरिएंट में सेम वेरिएंट आपको माइलेज निकाल कर देगा 19.4 किलोमीटर पर लीटर का। SX वेरिएंट में आपको इस तरह की मिलती है लॉक अनलॉक बूट के लिए आपको स्विच दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप फंक्शन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया है, वो इसके नेक्स्ट वेरिएंट में आपको मिलने वाला है। हिंडई एक्सटर आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ ऐसा ऑफर किया गया है, 3-spoke स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है एंड मैं इसे एडजस्ट करके देख लेती हूं तो ये सिर्फ आपका टिल्ट है, टेलीस्कोपिक इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। यहां पर आपको लाइटिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहां आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहां पर आप देखेंगे स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, 8 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है जिसके सारे कंट्रोल्स आप यहां से बैलेंस कर सकते हैं। प्लस इसमें आप देख रहे हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी आपको मिलता है, मगर मतलब अगर आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सनरूफ ओपन कर दो तो आपकी सनरूफ खुल जाएगी, आप बोलेंगे
एक्स्ट्रा एसी बढ़ा दो तो आपका एसी जो है वो फुल पे चला जाएगा। अभी यहाँ पर फॉन्ट आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, लकीली ये गाड़ी बहुत टाइम से बंद थी और जस्ट अभी ओपन हुई है, तो आप फॉन्ट भी देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरह के फॉन्ट्स आपको ऑफर किए गए हैं। और इस स्क्रीन के दोनों साइड आपको मैनुअल कंट्रोल्स भी मिल सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है आपने टचीज यूज करना है, आप मैनुअली भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। एसी वेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे, एसी वेंट्स का जो डिजाइन है वो हुंडई की बाकी गाड़ियों की तरह ही सिमिलर आपको लगता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एसी के मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। अब ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर की जगह ऑफर किया गया है, 12 वी चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। मैनुअल वेरिएंट है, 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको कुछ ऐसा ऑफर किया गया है। ड्राइवर डिस्प्ले आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.2 इंच का इसमें क्लस्टर मिल जाता है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है, कितना एमपी है, कितना किलोमीटर है, यहाँ से आप बैलेंस कर सकते हैं। प्लस जो ड्राइवर साइड के राइट साइड के एसी वेंट्स है वो आपको कुछ इस तरीके के ऑफर किए गए हैं। दोनों साइड आप देखेंगे आपको पूरा आप देखेंगे आपको ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग के साथ आता है, ग्लॉसी ब्लैक के ऊपर आपको यहाँ पर ग्रे की फिनिशिंग भी मिल जाती है। उस साइड भी कुछ इसी तरह के आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। और ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये पैटर्न आपको मैंने डोर पैनल्स पर भी दिखाया था, ये आपने रियर एंड में भी देखा था, ये कुछ इस तरीके का काफी ग्रे सी फिनिशिंग के साथ आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है। एंड एयर बैग, 6 एयर बैग के साथ ये गाड़ी आती है जो कि सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाता है एंड यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस इसमें ऑफर किया गया है। एंड स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एक बड़ी बॉटल के लिए एक छोटी बॉटल के लिए दो कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, हैंड ब्रेक आपको कुछ यहाँ मिल जाता है, प्लस छोटा मोटा स्पेस आपको यहाँ भी ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे लाइटिंग स्विचेस मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मिरर नहीं मिलने वाला है, वैनिटी मिरर को पैसेंजर साइड है। और यस, हिंडई एक्सटर में आपको सनरूफ भी मिलती है, सनरूफ का स्विच ऑफकोर्स आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से अभी भी आप सनरूफ ओपन कर सकते हैं। तो इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलती है, सनरूफ का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं वो फ्रंट पैसेंजर के हिसाब से ही बैलेंस्ड है, बट ये सबको इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर की गई है। भाई 9,13,000 रुपये की गाड़ी में आपको सनरूफ मिल रही है और क्या चाहिए। वेरिएंट में ना आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलता है, मतलब हेडरेस्ट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ये आपका सीट में इंटीग्रेटेड है। तो ये था हुंडई एक्सटर का S6 वेरिएंट जिसके प्राइस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 7,99,990 रुपए इसके प्राइस है। और अगर आप इसे ऑन रोड देखेंगे तो 9,13,000 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। प्लस इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर की गई है, इसमें आपको स्पॉयलर मिल जाता है जो कि ब्लैक्ड आउट स्पॉयलर है। इसके साथ ही सेफ्टी के लिहाज से मैं देखूँ तो इसमें आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड भी ऑफर किए गए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस अगर आप हुंडई एक्सटर की ड्राइव लेना चाहते हैं तो फिलहाल मैं हूँ कैपिटल हुंडई पे 63 में, एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर से मिलूंगे आपके साथ एक नए वीडियो में एक किसी नए प्रोडक्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये जरूर बताएगा कि आपको कौन सा वेरिएंट हुंडई एक्सटर का वैल्यू फॉर मनी लगा है, जो वेरिएंट मैंने आपको बताया है, इज दिस वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और नॉट।